मामू की बहू के डैडी हैं। गर्लफ्रेंड्स नहीं, गर्लफ्रेंड खाली। बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है जो मैंने ट्रेलर देखा है और जो भी प्रोमोज देखे हैं अब तक। एंड मैं ज़्यादा इतनी फिल्में देखती नहीं हूँ, जो रेकमेंडेड होती हैं या कुछ मज़ेदार लगती हैं वो ज़रूर आके देखती हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम हियर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस फिल्म के ये कैसे बन के आने वाली है आगे। आई थिंक गर्लफ्रेंड एक ऐसा मुद्दा है कि हर किसी को चाहिए आज की डेट में और ईजीली मिलती नहीं है। सो आई थिंक होपफुली आई विश ऑल द यूथ बेस्ट ऑफ लक दैट आफ्टर सीइंग दिस मूवी उनको पता चलेगा कि गर्लफ्रेंड को पटाना कैसे है। सो आई थिंक इट्स अ वर्थ वॉच एंड विथ माई बेस्ट फ्रेंड माई गर्लफ्रेंड नेक्स्ट टू मी एंड माई एंटायर फैमिली इज़ ब्लेसिंग हु हैव कम टुडे टू सी दिस मूवी। मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चलने वाली है। थैंक यू। मैं भी हाँ पूछिए। आई थिंक बहुत खुशी है मुझे कि अफीफा एज़ प्रोड्यूसर आज यहाँ पे मैं इसकी फ़िल्म देखने आई हूँ एंड मुझे बहुत खुशी है क्योंकि इसने खुद ही सोलो अपना खुद मेहनत करके लिटरली स्टैंडिंग ऑन ओन फीट एंड आई फील हमें हमारे इंडस्ट्री में जितनी और विमेन एंटरप्रेनर्स हैं जितनी और विमेन प्रोड्यूसर्स हैं और जितना और विमेन टीम है उनको ज़्यादा और उनको और बढ़ावा देना चाहिए। सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। मराठी मूवी कितना एंजॉय करते हैं और इसके पहले आपने कभी देखा? मैं आई थिंक महाराष्ट्र में पैदाइशी हैं हम दोनों को मराठी बहुत अच्छी तरह आ रही है। और देखो आ गए कौन, हम लोग सब मराठी हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉड पे तो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ महाराष्ट्रन ओनली। बचपन से मराठी बोलते हुए आए हैं, अब तक कभी भी हम महाराष्ट्र में घूमते तो मराठी ही बोलते हैं। एंड आई थिंक इतनी वो नहीं है एलियन लैंग्वेज के वो हमको मराठी समझ में नहीं आएगी, सबको समझ में आती है और सब लोग देखते हैं। और अभी साजिद जी आगे बताएंगे आप लोग को आगे की खबर। ओवर टू मिस्टर साजिद नंदरवाला। इसने मेरी हेल्प ही नहीं ली, इतना बड़ा राइटर हूँ लय भारी का और ना राइटिंग ना प्रोडक्शन ना फाइनेंस, वेरी गुड वेरी प्राउड। मैंने हेल्प ली इनकी, इनका हाथ मेरे सर पर हमेशा रहे, दुआ दे मुझे, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट मराठी मूवी के हमने जब भी देखा है स्क्रीनिंग की बहुत इशू होती है एज कम्पेयर टू हिंदी मूवी, बहुत कम ही स्क्रीन मिलती है। सो उसके बारे में क्या कहना चाहिए एज अ प्रोड्यूसर? और मैंने अभी अभी लगता है अब पहले जैसी वो बात नहीं है, अभी प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जैसे हमने जब लय भारी लगाई तो वी हैड प्रॉपर स्क्रीनिंग और आई थिंक सो गर्लफ्रेंड को भी अभी प्रॉपर स्क्रीनिंग मिले, थिंग्स आर चेंजिंग और जल्दी चेंज हो रहा। फॉर स्क्रीनिंग आई थिंक अनिल थडानी इज डूइंग आवर मूवी द डिस्ट्रीब्यूशन एंड आई थिंक ही इज डन एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जॉब एज ही इज अ फैमिली, हमारी फैमिली है वो। तो 100% अनिल के हाथों में जब ये पिक्चर है तो मुझे लगता है हमको बहुत अच्छी स्क्रीनिंग मिलेगी एंड ही इज आवर लक्की चार्म। And I am also very, very happy to be associated. This movie is a joint production with Ranjit and Anish Gugal. And both of them, I think, is given me an opportunity ke main ye kaam kar sakun. Toh main unki bahut bahut shukra guzar hu. So if you want, I can just call them for a ओके। सो ये है जो मराठी इंडस्ट्री के वन सेकंड ये है वो लोग जिन्होंने मुझे मराठी फिल्म में आने का मौका दिया, दे आर माई गॉड फादर्स एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे रंजीत अनीश की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिली। सो दे आर माई ब्रदर्स फ्रॉम नाउ एंड आई होप दैट वी रॉकेट एंड उपेंद्र हैज़
इतनी अच्छी पिक्चर इन्होंने बनाई हुई है कि आपको ये मराठी किसी एंगल से लगेगी ही नहीं, तो इसे प्लीज़ कोई भी चीज़ में आप डिवाइड मत करिए कि बॉलीवुड है या मराठी है या इंग्लिश है, क्योंकि इन्होंने जी जान लगा दी और इन्होंने हमको एक बॉलीवुड की टक्कर में पिक्चर दी है। सो मैं बहुत बहुत इनकी थैंक्स हूँ। I'm very thankful to FIFA that she's part of my first debut project. कि और क्या चाहिए, मतलब इतने सारे अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, इतनी अच्छी स्टार कास्ट है, तो किसी डेब्यूटेंट फिल्म मेकर के लिए इससे बढ़िया बात कोई और नहीं मिल सकती। सॉरी, नहीं वो तो मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स बात करेंगे कि कितने स्क्रीन से, बट इट्स बीन अ वाइड रिलीज इन मराठी, एज फार एज मराठी इज कंसर्न इट्स अ वाइड रिलीज, सो इट्स ग्रेट। भाई फोटो मारने देना यार, यहाँ तो क्या ले रहा था सब। सर वीडियो के लिए आ वहीं पे सर, मैम लुक हियर, लुक कैमरा, लेफ्ट टू राइट, मैम लुक सेंटर, यहाँ पे मैम लुक हियर, सर यहाँ पे, सर यहाँ पे सामने मैम लुक हियर, मैम लुक हियर, भाई पैनिक कर रहे हैं भाई, जल्दी लेके निकल, सेंटर सेंटर, दिस साइड भाई, दिस साइड, दिस साइड, मैम सेंटर। Solo, solo, solo. Man, look camera right to left. Look camera. First of all, looking very very pretty and a big big congratulations. So बहुत ही अच्छा response. कैसे response? And अब थोड़ा आपके goal के बारे में जानना चाहिए in short. We saw the film the other day and it's a very sweet film. अपनी film के बारे में कहना ये थोड़ा अजीब है पर I mean it. और I play the character of Alisha. Alisha
चार लड़कियों से थोड़ी हटके है, थोड़ी वियर्ड है, पर उसका वियर्डनेस बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है. एंड आई होप पीपल लाइक दिस कैरेक्टर बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई हैव गॉटन टू प्ले अ कैरेक्टर ऑफ माई एज. आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. आई थिंक ये बहुत पुराने ज़माने की बात है. नहीं अभी यहाँ पे साजिद भाई हैं तो आई एम श्योर कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी. वी मेड श्योर दैट वी आर गोना रिलीज इन लॉट ऑफ स्क्रीन्स और 26 तारीख को आप भी जाके देखिएगा प्लीज़. बहुत बढ़िया था. माई हीरो अमय ही हैड टू गेन वेट, आई हैड टू लूज वेट, सो वी यूज टू ट्रेन टुगेदर. बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग थी. उनको अलाउड था सब कुछ खाना, ब्राउनी, चॉकलेट, मिल्क शेक, और मैं ब्लैक कॉफ़ी पे थी. तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्रोसेस था. एंड नाउ वी आर रियली नर्वस एंड एक्साइटेड फॉर द रिलीज. थैंक यू. विनय पीछे भाई, मैम लुक इधर. विनय फ्रेम में आ रहा है. थैंक यू मैम.